हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। महिला को परेशान करने वाला एक आरोपी को सहादरा की साइबर थाने की टीम ने राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया। सहादरा जिला के डीसीपी रोहित मीणा ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि 27 मई को एक शिकायतकर्ता महिला की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था, जो कि सहादरा साइबर थाने ने मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 65/23 धारा 354C, 354D, 506, 509, 385 IPC और 12 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जहां शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी के इंस्टाग्राम पर कथित व्यक्ति अरुण के संपर्क में आई और फिर व्हाट्सएप कॉल किया, जिसके दौरान कथित व्यक्ति ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग द्वारा अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद आरोपी व्यक्ति ने स्क्रीनशॉट और वीडियो को शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज दिया, फिर उन्हें हटाने के लिए 25,000 रुपए की मांग की, जिसके बयान पर मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो कि ऑपरेशन सेल के ACP महेंद्र सिंह के निर्देश पर ACP सह SHO संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। इस टीम में SI नंदन सिंह हेड कांस्टेबल, अमित कुमार हेड कांस्टेबल, अमित चौधरी इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने जांच चालू की और आखिरकार आरोपी की पहचान राजस्थान के अजमेर में हुई, जहां पुलिस टीम ने राजस्थान के अजमेर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने अपना अपराध कबूल किया। DCP ने आरोपी की पहचान बताई, नाम अरुण गोपाल लाल गोयर, पुत्र गोपाल लाल जी गोयर, निवासी हाउस ऑफ मैनाबाई गीता कॉलोनी पुलिया के पास, ब्लॉम्स स्कूल नरसिंहपुर फाई सागर रोड PS गंज अजमेर राजस्थान के रूप में हुई, जिसकी उम्र 19 साल है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।